हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं नया चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारे को एक वर्ड का मीनिंग जानना है, इनइक्वालिटी। क्या होता है इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी मतलब जहां इक्वालिटी ना हो, यानी जहां इक्वल्स टू इन्वॉल्व ना हो, यानी वो क्वेश्चन जहां आपके ग्रेटर देन लेस देन greater than equals to less than equals to के साइन यूज हो, उन्हें हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मैंने आपको बोला x is greater than 2, देखो नेचुरल नंबर बताओ जो 2 से बड़े हैं। तो आप झट से बोलोगे सर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, राइट? यहाँ इक्वल्स टू इन्वॉल्व हुआ नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। नाउ अब स्टार्ट करने से पहले हमारे को कुछ पुरानी चीजें रिकॉल करनी है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर। आई होप आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हो। टाइप्स ऑफ नंबर्स बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहला हमारा होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं जो कैपिटल एन से डिनोट होते हैं और स्टार्ट होते हैं 1 से 1, 2, 3 एंड सो ऑन। पॉइंट वाले नहीं आते, ध्यान रखना। सेकंड, होल नंबर। होल नंबर्स कौन से हैं जो हमारे डिनोट होते हैं W से और स्टार्ट होते हैं हमारे 0 से 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देन इंटीजर्स। इंटीजर्स डिनोट होते हैं हमारे z से एंड इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर्स आते हैं। आई रिपीट, नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, माइनस वाले नंबर आते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 और प्लस वाले भी आते हैं, बट कंडीशन है यहाँ पॉइंट वाला कोई नहीं आएगा, डेसिमल वाले नहीं आते। नेक्स्ट आता है रैशनल। रैशनल को हम डिनोट करते हैं Q से और ये पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। वो नंबर्स जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो, यानी फ्रैक्शन में, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सके और Q जीरो के इक्वल ना हो। नेक्स्ट होता है इरैशनल। इरैशनल बेसिकली रूट वाले, ये हमारे किसी काम का नहीं इस चैप्टर में। नाउ लास्ट इज रियल। रियल में रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल प्लस इरैशनल, यानी दुनिया भर के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे रियल है। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। आई होप ये सारी चीज़ें याद आ गई हो। अब इसको स्टार्ट करने से पहले आओ एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर मैंने आपको पढ़ाना है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी, ये क्या होता है। एग्जाम्पल वन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? सॉल्व दिस। सॉल्व करना 30x इज लेस देन 200। अब मेरा तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, एडवांस में बता रहा हूँ। हो सकता है आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में अलग वे से सिखाया हो, मैं थोड़ा सा नॉर्मल वे से ही सिखाऊंगा। क्या 30x लेस देन 200, x की वैल्यू निकालनी है। सिंपली आप क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलता बेटा x की वैल्यू निकालनी है 30x 200 के इक्वल है, क्या करते आप 30 को डिवाइड में भेजते? वही काम यहाँ पे भी करना है। क्या x क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 30, तो x कितना आ गया, पॉइंट से कटा 20/3, दैट इज 6.66 एंड सो ऑन। तो राउंड ऑफ करके 6.67। ओके, ये सबसे पहला पॉइंट x क्या आ गया 6.67। नाउ अब उसने क्या बोला, x की वैल्यू निकालो जब x क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर बेटा 6.67 से छोटे वाले नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? ये है हमारे 6.67 से छोटे बताने हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 7 तो बड़ा हो जाए। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है बिलोंग्स टू, याद ही होगा सिंबल, ठीक है।
x belongs to curly brackets में, solution set बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे हम बोलते हैं बेटा solution set. Second, x is an integer, x एक integer हो, अब ध्यान से समझना, 6.67 से छोटे वाले integers क्या आएंगे, जरा उल्टी गिनती स्टार्ट करो, आई होप आपको आती हो, सर आती है, कैसी बातें कर रहे हो सर, मैं कब बेटा ऐसी बस मजाक में बोल रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3 and so on. हाँ जी 6.67 लगभग यहाँ पर है, स्टार्ट करो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 and so on. तो क्या डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आ गए इंटीजर्स. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्या कहता है, सॉल्व 24x less than 100. सॉल्व करते हैं, 24x is less than 100, क्या करो 24 को डिवाइड में डाल दो, 100 by 24 निकालो कितना हुआ आपका जाएगा 4 पे, 25 by 6. पहले कर दो 50 by 12, यस 25 by 6, ओके उसी पे जा रहे. अब जरा वैल्यू निकाल लो, 25 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या 4, 24, 1 कैरी 0.645 मिले, इतना काफी है, 4.16 ठीक है, 4.16 से छोटे नेचुरल नंबर चाहिए, कौन कौन से हो जाएंगे, क्या लिखूंगा सॉल्यूशन सेट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4. सेकेंड इंटीजर्स, अब इंटीजर्स नेगेटिव से है, x बिलोंग्स टू डॉट डॉट, क्योंकि 4 से छोटे तो सारे इंटीजर है, नेगेटिव वाले तो सारे आ जाएंगे, क्या -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ठीक है. अब इससे पहले आगे चलूं, एक छोटा सा नोट लिखवा देते जो बहुत काम आएगा, सबसे पहला एक हमारी होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी, आई गेस पॉइंट नंबर 1, 2, 3 थर्ड था नोट्स में, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ये क्या होती है, ये वो इनइक्वालिटीज है जहां पर इक्वल्स टू का साइन इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन होगा. आओ एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मैंने कहा लेट्स से एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स 2 से बड़ा है, अब मेरे को नेचुरल नंबर्स बताने हैं जो 2 से बड़े हो, वो नेचुरल नंबर जो 2 से बड़े हो, तो कौन कौन से आएंगे, 3, 4, 5 and so on, 3, 4, 5 ओके. नाउ मैंने अब आपको कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x 2 या 2 से बड़ा हो, आई रिपीट या तो 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो कौन कौन से आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स, टू थ्री फोर एंड सो ऑन. एक छोटा सा पॉइंट नोटिस करा इसमें और इसमें, क्या था, यहां इक्वल्स टू नहीं था इसलिए यहां पे टू नहीं किया, यहां इक्वल्स टू था
इसलिए यहाँ पे टू को काउंट करा, और इसी को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी, इसी को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। तो स्लैक इनइक्वालिटी क्या हुई, जहां इक्वल्स टू का साइन भी इन्वॉल्व हो। जहां ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो या लेस देन इक्वल्स टू हो। अब नेक्स्ट करने से पहले एक छोटा सा नोट, बच्चों मान लो मेरा एक्स ग्रेटर देन ए है। अब मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, ये एग्जाम्पलर का एमसीक्यू है। एक्स ग्रेटर देन ए है तो माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर, माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन फ्लिप हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, लेट्स से 5 और 3 में बड़ा क्या है, 5 और 3 में, अब झट से बोलोगे सर 5, राइट ओके। अब सर एक बात बताना, माइनस 5 और माइनस 3 में बड़ा कौन सा है, नंबर लाइन तो आती है -1, -2, -3, -4, -5, -5 और -3 में बड़ा कौन सा है, आप झट से बोलोगे सर -3। तो एक बात नोटिस करी, जैसे ही माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो, ये वाला साइन फ्लिप हो जाएगा। अब ये मैंने आपको हिंट दिया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज मैं कराने जा रहा हूँ। सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करना है। -12x इज ग्रेटर देन 30, x निकालो क्या हो जाएगा, जैसे ही -12 इधर आके डिवाइड, जैसे ही -12 यहां आएगा डिवाइड में, ये वाला साइन फ्लिप हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये x इज लेस देन 30 बाय -12, कट करो x is less than 5 by minus 2, यानी x is less than minus 2.5, right? अब मेरे को minus 2.5 से छोटे natural numbers बताइए जल्दी से। अगर आप लोग का आंसर 1, 2, 3 है तो congratulations, आप सबका आंसर गलत है। अगर आपका आंसर 1, 2 है तो भी गलत है, no solution। बेटा माइनस 2.5 से छोटे नेचुरल नंबर्स है ही नहीं, नेचुरल शुरू ही 1 से होता है और माइनस 2.5 से छोटे। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, हमारे को नंबर लाइन तो आती है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, माइनस 2.5 इज हेयर, राइट। अब माइनस 2.5 से छोटे, छोटे कहाँ है, लेफ्ट की तरफ, बट ये सारे हैं, नेचुरल तो शुरू यहीं से है, तो कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं, इसलिए नो सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट, एक्स इज एन इंटीजर, अब वो इंटीजर बताने हैं जो माइनस 2.5 से छोटे हो, कौन कौन से आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू डॉट डॉट डॉट, कहां तक आ जाएंगे माइनस 2.5 से छोटे, सिर्फ माइनस 3 तक, -5, -4, -3, ये पॉइंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी आपका होगा, बट उससे पहले एग्जांपल कराना होगा मेरे को। मैं एग्जांपल इसलिए प्रेफर करता हूं कि आप उसको समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, बट कई बार ऐसे भी हो सकता है कि आपको नहीं समझ आया या नहीं क्वेश्चन हो पाया। इन दैट केस आप मेरे को मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, सॉरी वर्ड गलत कर गया, आप मेरे को मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस टॉपिक में प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन 3, 4 अभी आप खुद करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, एक छोटा सा एग्जांपल कराते हैं। एग्जांपल 2, अब जब रियल नंबर का केस है तो हम क्या करेंगे, अगेन ये भी पॉइंट नोट्स का ही आ गया, बट रियल नंबर का मतलब क्या है, लेट्स से
मैंने आपको बोला एक्स इज ग्रेटर देन टू, मेरे को टू से बड़े नंबर्स बताइए। आप लोग झट से बोलोगे सर थ्री फोर फाइव सिक्स, मैं बोलूंगा बेटा इस प्रॉपरली सही नहीं है, मैंने कहा टू से बड़े नंबर बताओ कौन कौन से बोलोगे टू से बड़े। बेटा टू से बड़े 2.1 भी तो होता है, 2.01 भी होता है, 2.000001 बार भी होता है, यस और नो, और 3B 4B 5 एंड सो ऑन। तो क्या मैं सारे नंबर्स लिख सकता हूँ रियल नंबर के केस में? क्या सारे नंबर लिखे जा सकते हैं? क्योंकि रियल में तो बार भी आता है, रूट भी आता है, रूट 5 राइट, तो ये सारे के सारे क्या है रियल है। तो जब रियल नंबर का केस आता है हम वहां इंटरवल्स बनाते हैं, अब देखिए मेरे दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं, पहला होता है ओपन इंटरवल या इसे मैं बोल लूं एक्सक्लूसिव। ये कब लगाना है? जब मेरा ग्रेटर देन या लेस देन हो, यानी इक्वल्स टू वाला ना हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के लिए। इसको समझते कैसे, लेट से मैंने बोल दिया एक्स ग्रेटर देन टू, टू से बड़ा, टू से बड़े आ रही है ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं ऐसे लिखूंगा एक्स बिलोंग्स टू टू से इंफिनिटी, यानी टू से लेकर कहां तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक। एक और एग्जांपल, एक्स इज लेस देन टू, टू से छोटा हो तो क्या आएगा, टू से छोटे क्या होगा, 1.9 बार भी होगा, 1.98 भी होगा, एंड ऐसे करते 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 ठीक है 1.98, 1.9 बार, -1, -2, ये सारे होंगे तो टू से छोटे, x belongs to माइनस इंफिनिटी से 2। एक बात का ध्यान रखना कि इंफिनिटी पे ब्रैकेट ऐसे आते हैं, अभी हम ऐसे भी ब्रैकेट सीखेंगे और आपने चैप्टर 1 में सीखा होगा कॉन्सेप्ट ठीक है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। सेकंड क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल्स या इससे हम बोलते हैं इंक्लूसिव। ये कब लगाना है? जब आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू हो। एग्जांपल समझते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, मैंने आपको कहा एक्स टू या टू से बड़ा है तो कौन कौन सा बोल दोगे बेटा, एक्स बिलोंग्स टू टू से इंफिनिटी, टू या टू से बड़ा है तो टू से इंफिनिटी। बेटा ये जो टू है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां टू भी शामिल हो सकता है, इस तरह इस क्वेश्चन में टू इंक्लूड नहीं था, बट लेट से यहां पे बोल दूं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू, इसका मतलब कौन कौन से नंबर, टू भी आ सकते हैं, टू से बड़े भी आ सकते हैं, टू 2.1 2.2 एंड सो ऑन। तो जब इंक्लूड होता है कोई नंबर इक्वल्स टू के लिए तो हम ब्रैकेट ऐसे वाले लगाते हैं, और जब इंक्लूड नहीं होता तो ऐसे वाले ब्रैकेट लगाते हैं ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स। अब एक बात जान लो कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा राउंड ब्रैकेट ही लगेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक और लेते हैं, x इज लेस देन इक्वल्स टू टू, टू या टू से छोटा है तो टू से छोटा क्या कर देंगे, माइनस इंफिनिटी से टू, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ये कब यूज करना है, जब रियल नंबर के केस हो।
आइए एग्जाम्पल टू पढ़ते हैं, सॉल्व दिस, इसे सॉल्व करना है, करते हैं। 5x-3 इज लेस देन 3x+1। सॉल्व करने के लिए x वाला को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, ये यहां पर और ये यहां पर। 5x-3x इज लेस देन 1+3, 2x इज लेस देन 4, x क्या हो जाएगा 4/2, यानी x इज लेस देन 2। स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके टीचर्स ने इस स्टेप को ऐसे ना करवा के लिखवाया हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ठीक है। सो दोनों ही हमारे वैलिड है। अब x2 से छोटा है, इंटीजर्स बताने कौन कौन से आ जाएंगे, 2 से छोटे इंटीजर्स, इंटीजर में नेगेटिव भी आएंगे, पॉइंट वाले नहीं आएंगे, 2 से छोटे इंटीजर, डॉट डॉट, -3, -2, -1, 0, 1, 1 पे रुक जाएगी कहानी। रियल नंबर, रियल के केस में बनेंगे इंटरवल्स, क्या हो जाएगा बेटा, 2 से छोटे यानी -∞ से लेकर कहां तक, 2 कौन सा ब्रैकेट, ऐसा वाला या ऐसा, राउंड या स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहां इक्वल्स टू नहीं है। ओके, तो पहले इतना नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पहले अटेम्प्ट करिए राइट नाउ।